अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते कल पेरेंट्स का हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते कल पेरेंट्स का हक मांगते नहीं किसी से हमारे जो पेपर है वो लीक सरकार कर रही है सरकार उन दोषियों को खुलेआम छोड़ रही है सामने भैया आज जब जेकेएसएसबी कानून इसको कहता है कि भाई आप इसको बाहर करिए और किसने इसको टेंडर दिया उसकी जांच करिए तो हमारे एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन युवाओं को दबाती है और तो पारदर्शिता का एक घोषणा बजाते हुए कहती है कि हम पारदर्शिता से परीक्षा करा रहे हैं जो एग्जाम इस कंपनी ने कराए हैं उसकी टेक्निकल जांच कराई जाए ताकि जो चोर हैं जिन्होंने चोरियां फिर से करी हैं फिर से मतलब जो जेकेएसपीएसआई का एग्जाम फिर से हुआ वो लीक हुआ जेई का एग्जाम हुआ वो लीक हुआ स्टैंडों का एग्जाम हुआ उसमें धांधलियां हुई इसके कराए हुए सारे एग्जाम में जांच जरूरी है जैसा कि कोर्ट ने कहा था